आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक स्टॉपवॉच थ्योरी, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 to 4 hours बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज। एवरीडे अपने को लगता है कि अपन बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कई बार जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो अपने को ध्यान में नहीं रहता है। आज से आप क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच यूज करेंगे, मोबाइल का स्टॉप वॉच नहीं, एक्चुअल वाला स्टॉप वॉच। जब आप पढ़ने को बैठे हो, एंश्योर करना कि वो स्टॉप वॉच आपके साइड पे हो, जो रियल स्टॉप वॉच मिलता है वो। एंड जब वो स्टॉप वॉच चालू है, तब आपका मोबाइल फोन, घड़ी और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है सब के सब बंद हो जाए, एंड आपका पूरा फोकस खाली आपके स्टडीज पे होना चाहिए। एवरीडे एक पेपर लेके बैठिए, जब वो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो रहा है और जब वो स्टॉप वॉच बंद हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने बुला लिया, या आप कोई टाइम पास करने चले गए, या आप खाना खाने चले गए, तो स्टॉप वॉच बंद हो जाना चाहिए। इवन इफ यू आर टेकिंग अ बायो ब्रेक गोइंग फॉर अ वॉशरूम, तो भी आपको अपना स्टॉप वॉच बंद कर देना है। एंड एंड ऑफ द डे देखिए कि इफेक्टिवली आपका कितना स्टडीज हुआ है, एंड देन स्टार्ट चेजिंग द टाइम। मतलब अगर आज आपका स्टॉप वॉच में 6 hours हुआ है, तो एंश्योर करो कि नेक्स्ट डे मैं 7 hours करूंगा, उसके नेक्स्ट डे मैं 8 hours करूंगा। एंड देखना, ये स्टॉप वॉच को चेज करने के चक्कर में एंड ऑफ द डे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, अपना स्टडीज बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा, एंड वेदर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस राइट नाउ, एंड उसका इंपैक्ट जरूर मेरे को बताइएगा। हस्ता ला वेस्ता।